subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बलूचिस्तान के गयूर भाइयों, क्वेटा के बहादुर शहरियों, मेरे जवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों और भाइयों, आपको नवाज शरीफ का सलाम। आज ये इतना बड़ा जलसा देखकर मेरा यकीन और भी पुख्ता हो गया है कि इंशाल्लाह अब वोट की इज्जत को कोई पामाल नहीं कर सकेगा। पामाल करना तो दूर की बात है, इंशाल्लाह अब वोट की इज्जत की तरफ कोई मैली आंख से भी देख नहीं सकेगा। जो जज्बा मुझे गुजरांवाला में नजर आया, वही जज्बा मैंने कराची में देखा और अल्हम्दुलिल्लाह आज वही जज्बा और जोश व खरोश मैं क्वेटा में भी देख रहा हूं। भाई और बहनों, वक्त आ गया है। माफ कीजिए, मेरा गला मुसलसल खराब है कुछ दिनों से। वक्त आ गया है भाई और बहनों कि हम अपनी तकदीर बदलने के लिए अब उठ खड़े हों। अल्लाह ताला भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के हर गोशे के अवाम अपनी किस्मत बदलने के लिए एक ही काफले का हिस्सा बन गए हैं। आज मुझे अपने दोस्त खासिल खान बजंजो की बड़ी शिद्दत से याद आ रही है। वो अपने वालिद मरहूम की तरह जमहूरियत के सच्चे और खरे अलम बरदार थे। उनकी मौत मेरा जाती नुकसान तो है ही, लेकिन ये मुल्क और कौम का भी बड़ा नुकसान है। वो हर फोरम पर जुरत और बहादुरी के साथ अपना मौकफ पेश करते और तमाम खतरों से बेनियाज होकर सच्ची बात कहते थे। अल्लाह ताला उन्हें अपने खास रहमतों से नवाजे। मुझे कल मालूम हुआ है कि मोहसन दावड़ और नदीम अस्कर को क्वेटा एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी के नाम पे गिरफ्तार किया गया है और किसी नामालूम जगह पे मुंतकिल कर दिया गया है। हम सब इस अमल की सख्ती से मजम्मत करते हैं और सिक्योरिटी के नाम पर इस तरह के इकदाम हमारी रियासत को पहले भी बदनाम करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है और कि ये हुकूमत किस तरह के काम अंजाम दे रही है। मेरे भाई और बहनों, बलूचिस्तान पर जो गुजरती रही है वो एक नहायत अफसोसनाक कहानी है। मरी बुकटी बजेंजो और दीगर कबाइल के साथ जो सलूक किया जाता रहा, बल्कि जो अब तक हो रहा है, वो हम सब के लिए इंतहाई दुख और रंज का बायस है। गद्दारी का लेबल हर उस शख्स के माथे पर चश्मा कर दिया गया जिसने सर उठाकर बात करने की कोशिश की, जिसने जुल्म व सितम के खिलाफ एहतजाज किया और जिसने आजाद कौम का आजाद शहरी होने का हौसला किया। वो सिर्फ इसलिए बागी और गद्दार करार पाए कि उन्होंने अपने आईनी हकूक के लिए आवाज उठाई। और कुछ कत्ल हो गए, कुछ हमेशा के लिए लापता कर दिए गए, उनकी कब्रों तक कोई नामो निशान नहीं है। गुमशुदा अफराद का मसला आज भी है, हमारे हम वतन आज भी उठाए जा रहे हैं। कुछ पता नहीं उन्हें आसमान खा गया या जमीन निकल गई।
मैं जब भी गुमशुदा अफराद की दुखी माओं, रोती हुई बहनों बेटियों और परेशान हाल बच्चों को देखता हूं तो बेहद तकलीफ होती है। कब तक ये सब कुछ जारी रहेगा? कब तक हमारी रियासती ताकत खुद अपनों के खिलाफ इस्तेमाल होती रहेगी? कब तक हम पाकिस्तान के मुहिब वतन शहरियों पर बगावत और गद्दारी के इल्जाम लगाते रहेंगे? खवातीनों हजरात, मुझे अच्छी तरह अंदाजा है कि बलूचिस्तान के लोग कैसे कैसे मसाइल का शिकार होते रहे हैं और आज भी किन मसाइल का शिकार है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के लोगों की जिंदगी किस तरह गुजर रही है, उनको कौन सी मुश्किलात का सामना है। नवाज शरीफ अच्छी तरह जानता है, मुझे ये भी मालूम है कि मौजूदा हुकूमत की नाअहली और अवाम दुश्मनी की वजह से महंगाई ने अवाम के लिए दो वक्त की रोटी मुश्किल बना दी है। और सुना है चीनी 110 रुपए किलो हो गई है, आटा 70 रुपए किलो तक जा पहुंचा है या शायद इससे भी ज्यादा। नान भाई हड़ताल कर रहे हैं कि रोटी 30 रुपए की बेचने की इजाजत दी जाए। ऐसे में सारा दिन मेहनत करने के बाद एक मेहनत कश दो वक्त दो दो रोटियां भी खाए, यानी दो वक्त सुबह दोपहर और शाम अगर दो दो रोटियां भी खाए तो महीने के 3600 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। और अगर घर में 6 अफराद हों, जो कि आमतौर पे होते हैं, तो सिर्फ रोटी पर और कुछ नहीं, रोटी पर 21,000 रुपया वो कहां से लाए। चीनी घी दालों और सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं और दवाओं की कीमतें इतनी ज्यादा हो चुकी हैं कि दवाई के अखराजात के बाद घर वालों को समझ नहीं आती कि घर के बाकी अखराजात कैसे पूरे किए जाए। गुरमत में बेपनाह इजाफे की वजह से लोग अपने बच्चों को मौत के मुंह में जाते हुए देखते हैं मगर दवाई खरीदने की ताकत नहीं रखते। आज इस तरह के पाकिस्तान में हम रहते हैं, यानी ये मुल्क इस तरह का बना दिया गया है। आज किसान बदहाल है, ज़राअत तबाह, सनअतें तबाह, कारोबार तबाह, रोजगार तबाह, पूरा मुल्क की तबाही के गड़े में उतार दिया गया है। मेरे भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम देखते ही देखते इस हाल को क्यों पहुंच गए? क्यों आपको फाकों की तरफ धकेला जा रहा है? क्यों 54 रुपए में बिकने वाली चीनी 110 रुपए की हो गई? क्यों आटा 35 रुपए से 70 रुपए किलो तक पहुंच गया है? और क्यों महंगाई बेकाबू हो गई और अच्छे खासे खाते पीते घराने वाले लोग आज माली मुश्किलात का शिकार हो गए? क्यों तरक्की करता हुआ पाकिस्तान, आगे बढ़ता हुआ पाकिस्तान बर्बाद करके रख दिया गया है? क्यों पाकिस्तानी रुपया आज नेपाली और अफगानी करेंसी से भी नीचे आ गया है? क्यों 5.8% की शरह से तरक्की करता हुआ मुल्क 0 से भी नीचे आ गया है? क्यों कारखाने लगना बंद हो गए? क्यों सड़कें शाहराएं और मोटरवेज बनना बंद हो गई? क्यों पाकिस्तान दुनिया में तन्हा रह गया है? क्यों भारत को कश्मीर हड़प करने की जरूरत हुई?
और क्यों हमारे ब्रादर इस्लामी मुल्क भी हमसे दूर हो गए, क्यों सऊदी अरब जैसा हमारा मुखलिस तरीन दोस्त हमसे नाराज हो गया है। क्वेटा के भाई और बहनों, इसका सीधा साधा जवाब यह है कि चंद लोगों को अपने जाती मफादात और इख्तियारात आपकी आजादी और खुशहाली से ज्यादा अजीज है। आईन और कानून उन मुट्ठी पर लोगों के मजमूम अजाइम के आड़े आते हैं। नवाज शरीफ उन लोगों को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो आपका मुंतखब नुमाइंदा है और आपके वोट पर किसी और का इख्तियार तस्लीम नहीं करता। वो आइन शिकनी बर्दाश्त नहीं करता, वो डिक्टेशन नहीं लेता। तो फैसला हुआ कि नवाज शरीफ को निकालो और ला हासिल तहकीकात और मुकदमात पर कौमी खजाने के अरबों रुपए दबोकर भी नवाज शरीफ पर एक धेले की करप्शन न मिली। तो कहा कि उसके बेटे से तनख्वाह न लेने के जुर्म में नवाज शरीफ को निकाल दो, उसको उम्र भर के लिए नाहल कर दो, उसको मुस्लिम लीग नून की सदारत से भी निकाल दो, उसके भाई शहबाज शरीफ, उसकी बेटी मरियम, हमजा शहबाज शरीफ और उसके सारे खानदान और साथियों को, मुस्लिम लीग नून के साथियों को जेल में डाल दो। नवाज शरीफ को नमूना इबरत बनाते बनाते उन्होंने पाकिस्तान आप सबको नमूना इबरत बना दिया। इस मकसद के लिए उन्होंने इंतखाबात से पहले जबरदस्ती लोगों को पीटीआई में शामिल करवाया, फिर उन्हें जितवाने के लिए इलेक्शन के दिन शर्मनाक ड्रामा रचाया, पोलिंग स्टेशनों पर कब्जा जमाया, पोलिंग एजेंटों को निकाल बाहर किया, आरटीएस बंद करवाया, रात की तारीकी में अपनी पसंद के नतीजे बनाकर चार दिन तक मर्जी के नतीजे जारी करते रहे और तारीख की सबसे बदतरीन धांधली करके उन्होंने एक नाहल और नालायक तरीन शख्स को वजीर आजम की कुर्सी पर बैठा दिया ताकि वो उनसे जराइम पर कोई सवाल ना उठाए बल्कि उनके इशारों पर कर्तव्य दिखाता रहे। यहां से मुल्क की तबाही और बर्बादी का वो सिलसिला शुरू हुआ जो कि बढ़ता ही चला जा रहा है। उन चंद लोगों के जाती मफादात की कीमत आपको और आपके बच्चों को इन हालात, इस भूख और इफ्लास से चुकानी पड़ रही है। मेरे भाई और बहनों, आप इज्जत वाले लोग हैं, गैरत वाले लोग हैं। बलोच और पख्तूना अपनी शानदार रवायात रखता है, लेकिन आपने देखा कि कराची के अजीम शान जलसे से घबरा कर इन लोगों ने मुंह अंधेरे कराची के एक होटल के उस कमरे का दरवाजा तोड़ा और अंदर दाखिल हो गए जिसमें मरियम नवाज शरीफ और कैप्टन सफदर ठहरे हुए थे। क्या अब ये लोग इस पस्ती में गिर गए हैं कि ना कोई अखलाक बाकी रहा और ना कोई तहजीब और ना रवायात और ना कदरें? ये कोई मामूली वाकया नहीं है। मुझे हैरत है उन लोगों पर जो आला इखलाकी इकदार की बातें करते हैं, माओं बहनों
और बेटियों की इज्जत की बात करते हैं, लेकिन अब भी इस हुकूमत का हिस्सा है जिसने यह सियातरीन वारदात की है। कराची के इस वाकये ने मेरी बात को अमली तौर पर साबित कर दिया है कि हाँ, रियासत के ऊपर एक और रियासत मुसल्लत हो चुकी है। इस गैर आइनी गैर कानूनी जबर की रियासत की अंधी ताकत ने रियासत को अपने शिकंजे में जकड़ रखा है। जब तक कि यह गैर कानूनी शिकंजा रहेगा, मेरे भाइयों बहनों, आपके हालात बेहतर नहीं होंगे, नहीं हो सकते। सिंध वफाक की एक अहम इकाई है, एक खुद मुख्तार सूबा है, वहां एक मुंतखब हुकूमत है, एक मुंतखब वज़ीर-ए-आला है, वहां एक आईनी अथॉरिटी है, लेकिन इस कार्रवाई की खबर किसी को नहीं कि रात को किसने आईजी पुलिस को अगवा किया, किसने एडिशनल आईजी को अगवा किया, पुलिस के सरबराह और आला अफसरों को उठाकर ले जाने की अथॉरिटी किसके पास थी, सेक्टर कमांडर कौन है, वो किसकी ताकत से एफआईआर कटवाता है, किसके हुक्म पर चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया जाता है, किसके हुक्म पर बेडरूम के दरवाजे तोड़े जाते हैं। अगर सूबे के वज़ीर आला को भी इसकी खबर नहीं, तो फिर उससे बड़ा हुक्मरान सूबे में कौन है जो इस तरह के हुक्म देता है और मनमानी करता है। मेरे दोस्तों, पीडीएम इसी गैर आइनी हुक्मरानी के खिलाफ उठी है, रियासत के ऊपर रियासत की इस बीमारी के खिलाफ उठी है जिसने पाकिस्तान को अंदर और बाहर से खोखला करके रख दिया है। ये तहरीक किसी इदारे के खिलाफ नहीं, बल्कि पाक फौज के मुकद्दस इदारे की ताकत को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करने वाले किरदारों के खिलाफ है। नीचे से ऊपर तक फौज के बहादुर फरसंदों को इन किरदारों के मकासद का कुछ पता ही नहीं होता, कुछ इलम ही नहीं होता, वो तो अपने डिसिप्लिन में बंधे रहते हैं, वो तो मुल्क और कौम की हिफाजत की लगन में दिन रात एक करते हैं, लेकिन उनसे मासूमियत में, अनजाने में ऐसे काम लिए जाते हैं जिसका नतीजा कौम को बड़े नुकसानात की शक्ल में भुगतना पड़ता है। तरीका वारदात यह है कि चंद लोग अपने घिनौने मकासद पूरे करने के लिए कानून तोड़ते हैं, आईन तोड़ते हैं, मुल्क और कौम को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन खुद को बचाने के लिए नाम फौज का इस्तेमाल करते हैं, जबकि हकीकत में फौज का इससे दूर दूर का वास्ता नहीं होता। इसके बावजूद बदनामी किसकी होती है? इदारे की होती है। इसलिए मैं नाम लेकर ऐसे किरदारों को बेनकाब करता हूं ताकि उनकी स्याह कारियों का धब्बा मेरे मुल्क के इदारों पर ना लगे, मेरी फौज की वर्दी पर ना लगे। हमारी तारीख के बहुत से अलमियों में चंद किरदार ही थे जो अपने मकासद और जाती मफाद के लिए फौज की बदनामी का बायस बने। कारगिल में हमारे सैकड़ों जांबाजों को शहीद करवाने और दुनिया भर में पाकिस्तान को रुसवा करने का फैसला फौज का नहीं था, चंद मफाद प्रस जर्नैलों का था। उन लोगों ने सिर्फ फौज के दारी को नहीं, बल्कि मुल्क और कौम को एक ऐसी जगह जंग में झोंक दिया, कोई फायदा हासिल हो ही नहीं सकता था।
वो लम्हा मेरे लिए इंतहाई तकलीफ दे था जब मुझे ये पता चला कि हमारे बहादुर सिपाही ये दुहाई देते रहे कि उन दूर अफतादा चोटियों पर खुराक नहीं बज लेकिन असला तो भिजवाएं। वो फौजी जिन्हें उस जंग के पीछे असल अजायम का पता ही नहीं था, जिन्हें मुल्क और कौम की सरबुलंदी के नाम पर महाज पर भेजा गया था, जानों के नजराने देते रहे लेकिन मुल्क और कौम को क्या हासिल हुआ? कारगिल ऑपरेशन के पीछे वही किरदार थे जिन्होंने अपने उन घिनौने जरायम पर पर्दा डालने और सजाओं से बचने के लिए 12 अक्टूबर 1999 को बगावत की और मार्शल लॉ नाफिज किया। ये परवेज मुशर्रफ और उसके चंद साथी थे जिन्होंने फौज के इदारे को अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया बल्कि बदनाम किया। हाँ, मैं उन लोगों को बरी जिम्मा करार नहीं दूंगा जिन्होंने खिलाफ कानून ऑर्डर्स की तामील की, जिन्होंने वजीर आजम हाउस के जंगले पलांगे, जिन्होंने मुंतखब वजीर आजम को गिरफ्तार करके एक नाजायज फौजी हुकूमत की राह हमवार की, गैर कानूनी हुक्म की तामील करके वो भी उतने ही बड़े मुजरम साबित हुए जितना के हुक्म देने वाले। मेरे भाइयों और बहनों, इन्हीं लोगों ने मुहब्बे वतन अकबर बुगटी को शहीद किया। इन्हीं लोगों को मोहतरमा बेनजी भुट्टो ने अपनी शहादत से कबल लिखे गए खत में अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया। इन्हीं लोगों ने बलूचिस्तान और सिंध में हमारे फजाई अड्डे गैरों के हाथों में गिरवी रखे। आप जानते हैं, जहां से ड्रोन उड़ते थे। इन्हीं लोगों ने 12 मई कराची और लाल मस्जिद इस्लामाबाद जैसे कत्लेआम करवाए। हमारे गैरतमंद बलोच भाइयों और बहनों की महरूमियों के जिम्मेदार भी यही लोग हैं। इन वाकया से जहां आपने दुख और परेशानियां उठाई, वहां मुट्ठी भर लोगों ने बेशुमार फायदे उठाए। परवेज मुशर्रफ के जाती अकाउंटों में अरबों रुपया कैश पड़ा हुआ है, इसके सबूत भी मौजूद हैं। लेकिन नैब या इमरान खान किसी में जरूरत नहीं कि कोई कार्रवाई अमल में लाई जा सके। इसी तरह हमारी मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिशों का जाल बुनने के लिए धरने करवाए, इंतखाबात में धांधली करवाई और एक नाअहल शख्स को मुल्क पर मुसल्लत करने का फैसला भी फौज के इदारे का नहीं था। यह फैसला फौज का नहीं था बल्कि चंद किरदारों का था। इसलिए तो मैं उन किरदारों का नाम लेता हूं ताकि तबाही और बर्बादी के इल्जाम के छींटे मेरी फौज के जवानों और अफसरों की वर्दी पर ना पड़े। आज तमाम सवालों के जवाब फौज को नहीं, जनरल कमर जावेद बाजवा को देने हैं, जनरल फैज हमीद को देने हैं। जनरल बाजवा साहब, आपको 2018 इलेक्शन में पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी धांधली और अवाम के मैंडेट की चोरी का हिसाब देना है। जनरल बाजवा साहब, आपको अरकाने पार्लियामेंट की हॉर्स ट्रेडिंग का हिसाब देना है। और जनरल बाजवा साहब, आपको आईन और कानून की धज्जियां बिखेरते हुए इमरान नियाजी को अवामी मैंडेट के खिलाफ वजीर आजम बनाने का हिसाब देना है। आपको इस हुकूमत की तमाम नाकामियों का हिसाब देना है और आपको इस कौम को महंगाई
गुर्बत और फाका कशी की तरफ धकेलने का भी हिसाब देना है। जनरल फैज साहब, आपको जवाब देना है कि आपने क्यों एक हाजिर सर्विस जज के घर जाकर उन पर आईन और कानून के खिलाफ फैसला करने के लिए दबाव डाला। क्यों आपने उन्हें वक्त से पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनवा देने की पेशकश की? क्यों आपने नवाज शरीफ और उसकी बेटी मरियम नवाज को इलेक्शन हो जाने तक जेल में रखने की दरख्वास्त की? वो कौन सी 2 साल की आपकी मेहनत थी जो नवाज शरीफ को रिहा करने की सूरत में जाय हो जाने का अंदेशा था? बताइए, आपने कहा था कि हमारी 2 साल की मेहनत जाय हो जाएगी अगर आपने नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को रिहा किया। आपने तो आईन की पासदारी करने का हल्फ उठाया था, क्यों आपने अपने हल्फ के खिलाफ वर्दी की? क्यों डिफाई किया आपने अपने हल्फ को? आपने तो सियासत में दखल ना देने का हल्फ उठाया था, क्यों आपने अपने हल्फ की खिलाफ वर्दी की? क्या फैजाबाद धरना केस आपके खिलाफ चार्जशीट नहीं? क्या सुप्रीम कोर्ट ने आपके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म नहीं दिया? इसके बावजूद आपकी ना सिर्फ बतौर लेफ्टिनेंट जनरल तरक्की हुई बल्कि आपको आईएसआई के सरबराह का अजीम शान मनसब भी अता हुआ। जबकि जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ एक रेफरेंस दायर हुआ ताकि वो आपकी नजरसानी की दरख्वास्त सुन ना सके। वाह वाह, क्या किया आपने जनरल फैज, ये आपके हल्फ तोड़ने की सिर्फ एक मिसाल है। एक आप पिछले कई सालों से बेधड़क सियासत में मुदाखलत किए चले जा रहे हैं। आपने अपने हल्फ के साथ बेवफाई की है। अगर यही वक्त आपने पेशा वाराना दिफाई अमूर पर सर्फ किया होता तो हमारे कश्मीरी बहन भाई कभी इन मसाइब से दोचार ना होते जिनसे वो आज दोचार हैं। इमरान खान साहब, आप तो सियासत के मैदान में नाबालिग हो। बार बार कहता हूं मैं कि हमारा आपके साथ मुकाबला है ही नहीं, हमारा मुकाबला आपके लाने वालों के साथ है, आपके साथ नहीं है। हमारा मुकाबला यार चलाने वालों के साथ है, लेकिन ये मत सोचना कि तुम बच जाओगे। साकिब निसार का एनआरओ ना तुम्हें बचा सकेगा और ना अलीमा खान को। तुम जिसके पीछे चाहे छुपो, फॉरेन फंडिंग केस में तुम्हारी बदनवानी ना सिर्फ खुल के रहेगी बल्कि तुम्हें जेल भेजेगी। तुम्हें चीनी आटे और अद्वियात की कीमतों में इजाफे से आवाम को पहुंचने वाले नुकसान के एक एक रुपए का हिसाब देना होगा। तुम्हें जमान पार्क में करोड़ों रुपए की नई तामीर की लागत का हिसाब देना होगा। तुम्हें बनीगाला की मनी ट्रेल देनी होगी। दूसरों पर कीचड़ उछालना तुम्हें एहतसाब से नहीं बचा सकेगा इमरान खान। ये टीवी पर बड़के मारना और धमकियां देना तुम्हें नहीं बचा सकेगा। तुम और तुम्हारे हर करप्ट साथी को हिसाब देना पड़ेगा। बलोचिस्तान के बहनों और भाइयों, मैं आज 3 पैगाम देना चाहूंगा। पहला, फौज के जवानों और अफसरों के नाम। ये आपका अपना मुल्क है मेरे फौजी भाइयों, जिसके लिए आप जान देने से भी दरेग नहीं करते। आपने जहां इसकी हिफाजत का हल्फ उठाया है,
वहां उतना ही अहम इसके आइन की ताबेदारी का हल्फ है। जहां आइन शिकनी और कानून शिकनी शुरू हो जाती है वहां जुल्म का दौर शुरू हो जाता है। जब आप किसी फर्द वाहिद या मफाद प्रस्त टोले के लिए आइन तोड़ने के मुर्तकिब होते हैं वहां आप खुद अपनी कौम को अपने मुल्क और अपने लोगों को आइन शिकनों के रहमो करम पर छोड़ रहे होते हैं। अपने हल्फ की पासदारी कीजिए, खुद को मुतनाजा होने से बचाइए। दूसरा मेरा पैगाम मेरे पाकिस्तान के सिविल सर्विस के नाम है। जमाना बदल रहा है, किसी के लिए कानून या आइन तोड़कर बच निकलना मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है। आपने देखा कि सिंध पुलिस के अफसरान ने चंद लोगों के गैर कानूनी रवैयों पर एहतजाज करके न सिर्फ उनके अजाइम पूरे नहीं होने दिए बल्कि अपने लिए इज्जत भी कमाई। सिंध के पुलिस अफसर साहबान, मैं आपको सलूट करता हूं। आपको बला खौफ अपनी जिम्मेदारियां कानून के मुताबिक अदा करनी चाहिए। मैं सब सिविल सर्वेंट्स को ये मैं गुजारिश कर रहा हूं और किसी दबाव में आए बगैर सरंजान देनी चाहिए। और तीसरा पैगाम मेरा आवाम के नाम है। मेरे पाकिस्तान के बहनों और भाइयों, पाकिस्तानी फौज आपकी अपनी फौज है, उनको इज्जत दीजिए, उन्हें मोहब्बत दीजिए, लेकिन जब मामला आइन की बालादस्ती का हो, जब आइन की बालादस्ती का मामला आ जाए, जब मामला कानून की हुक्मरानी का आ जाए, तो फिर वहां कोई समझौता ना कीजिए। कोई फौज अपने लोगों के खिलाफ नहीं लड़ सकती। पुरमन एहतजाज आपका आईनी हक है जिससे आपको कोई महरूम नहीं कर सकता। आजादी इजहार आपका आईनी हक है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। वोट और हुकूमत साजी आपका बुनियादी हक है। जो आपके इस हक को छीने वो आपका हाल और मुस्तकबिल आपसे छीनने का मुर्तकिब होता है। वो आमिर है, गासिब है, आइनशिकन है। आप अपने हक को इस्तेमाल कीजिए। किसी मफाद प्रस्त टोले या कुछ मुट्ठी भर लोगों को अपनी आने वाली नस्लों की तकदीर के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत मत दीजिए। अगर आज आपने अपने हकूक को हासिल करने में कामयाबी हासिल कर ली तो इंशाल्लाह आप अपने हालात संवार लेंगे। अगर ऐसा ना कर सके तो फिर उभाने का कोई फायदा नहीं होगा। क्वेटा वालों, इमरान खान की बैसाखियों पर खड़ी हुकूमत को अंजाम तक पहुंचाने का वक्त आ गया है। वक्त आ गया है कि हम उन तमाम लोगों से जवाब तलब करें जिन्होंने आईन और कानून के साथ खिलवाड़ करके आपको इन हालात से दोचार किया है। क्वेटा वालों, सोच कर बताओ, क्योंकि पूरा मुल्क आपकी आवाज सुन रहा है। क्या तुम इस जदोजहद में नवाज शरीफ का साथ दोगे? क्या तुम इस जदोजहद में पीडीएम का साथ दोगे? क्या इस जदोजहद में हम सब का साथ दोगे? पाकिस्तान